अक्सर लर्नर इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सूड नीड और वांट में क्या फर्क है, और बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं कि सूड नीड और वांट को कैसे समझें, कैसे जाने कि कब हमें बोलना है शुड और कैसे नीड और वांट को इस्तेमाल करना है। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वर्ड शुड का मतलब होता है चाहिए, यानी ये एक ऐसा वर्ड है जिसे हम किसी को राय देते हैं या सुझाव देते हैं, यानी किसी को एडवाइस करते हैं। जैसे आपको वहाँ जाना चाहिए, आपको इंग्लिश सीखना चाहिए, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, या आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। यानी जब कोई इंसान आपको कोई एडवाइस करे तो वहाँ पर आप बोलते हैं शुड। यह आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप उसके सुझाव को माने या नहीं। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपको सुबह में उठना चाहिए, यू शुड गेट अप इन द मॉर्निंग, यानी मैंने आपको सुझाव दिया कि आपको ऐसा करना चाहिए। ये आपके मर्जी पर डिपेंड है कि आप इसे करते हैं या नहीं। आपको सच बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक ट्रूथ। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि शुड का इस्तेमाल हम किसी को सुझाव देने के लिए, राय देने के लिए करते हैं। अगर हम बात वांट की करें तो वांट का मतलब होता है चाहत होना, तमन्ना होना, आरजू होना, ख्वाहिश होना। यानी जब हम अपनी चाहत की बात करते हैं, तमन्ना आरजू की बात करते हैं तो हम बोलते हैं वांट। जैसे मैं एक आईफोन खरीदना चाहता हूँ, आई वांट टू बाय एन आईफोन। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बी अ डॉक्टर। मैं महान बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बी ग्रेट। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि इन तीनों सेंटेंस में मैंने अपनी ख्वाहिश की बात किया, अपनी चाहत की बात किया कि ऐसा करना मेरी चाहत है, मेरी तमन्ना है, मेरी आरजू है। वही बात अगर हम नीड की करें तो नीड का मतलब होता है जरूरत होना या आवश्यकता होना। यहाँ मैं आपको बता दूं कि चाहत होना और जरूरत होना ये अलग अलग बात है। इंसान चाहत के बगैर जी सकता है, यानी इंसान तमन्ना आरजू के बगैर जी सकता है, लेकिन जरूरत के बगैर नहीं जी सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ मैं एक आईफोन खरीदना चाहता हूँ, यानी आईफोन खरीदना मेरी चाहत है, मेरी तमन्ना है, मेरी आरजू है। तो यहाँ मैं बता दूं कि अगर मैं आईफोन नहीं भी खरीदूं तो भी मैं जिंदा रह सकता हूँ, इसके बगैर काम चल सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ मुझे पानी पीने की जरूरत है या मुझे पानी की जरूरत है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई नीड टू ड्रिंक वाटर, या मुझे पानी की जरूरत है, आई नीड वाटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने बोला जरूरत, और यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पानी के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ, इसके बगैर मेरा काम चलने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि चाहत एक अलग चीज है, जरूरत एक अलग चीज है। चाहत के बगैर आपका काम चल सकता है, लेकिन जिस चीज की आपको जरूरत है उसके बगैर आपका काम नहीं चल सकता है। मुझे दवा लेने की जरूरत है, आई नीड टू टेक मेडिसिन। मुझे यह काम करने की जरूरत है, आई नीड टू डू दिस वर्क। मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। आपको पैसा कमाने की जरूरत है, यू नीड टू अर्न मनी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने इन तीनों वर्ड्स को शानदार तरीके से सीखा कि शुड एक ऐसा वर्ड है जहाँ हम किसी इंसान को सुझाव देने के लिए या एडवाइस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि आपको ये करना चाहिए या आपको ये नहीं करना चाहिए। वही बात अगर हम वांट की करें तो वर्ड वांट का यूज हम अपनी चाहत, अपनी आरजू, अपनी तमन्ना, अपनी ख्वाहिश को बताने के लिए करते हैं। और अगर बात हम नीड की करें तो नीड का मतलब होता है जरूरत होना या आवश्यकता होना। जैसे कि आपको अक्सर किसी चीज की जरूरत होती है, उसके बगैर आपका काम नहीं चल सकता। तो फ्रेंड्स अगर वाकई आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।